ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन भराड़ीसेन में 1 मार्च से बजट सत्र के लिए विधानसभा ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा की सुरक्षा संबंधित बैठक बुलाई, जिसमें कोविड 19 महामारी में भराड़ीसेन विधानसभा भवन में सत्र को भली भांति चलाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभी माननीय विधायकों को अपने जिले एवं क्षेत्रों में भराड़ीसेन में सत्र से पहले कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा, जिसका कि सत्र के दौरान टेस्ट की रिपोर्ट विधायकों द्वारा विधानसभा को ही देनी होगी। देखिए, 1 मार्च से अपने भराड़ीसेन में अपना बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसको ये जिस प्रकार से सुरक्षा की बैठक हुई और हमारा ये सत्र बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। जहाँ व्यवस्थाओं की बात करें तो हम लोग पूरी तरह से हमारे यहाँ व्यवस्थाएँ 400 हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पर हमारे तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ की बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने तय किया कि तो जो भी व्यक्ति वहाँ जाएगा उसका आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोग वहाँ करेंगे, और उसमें यदि कोई जिसको वैक्सीन लग गई है दोनों और वो यदि अपने वैक्सीन लगी है उसकी यदि वो अपना प्रमाण देंगे तो उनको ही जाने देंगे, उसमें सभी के लिए सब लागू होगा। उसके लिए देहरादून के अंदर विधान भवन के अंदर श्रीनगर जो रास्ते में है और विधान परिषद में भी ये व्यवस्था इस साइड में और उधर घुमायूं साइड में जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं जिले के वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। जो मान्य विधायक और अन्य लोग जो आएंगे उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। इसके साथ साथ ऐसा चूँकि अभी आप सब जानते हैं कि कोरोना का भी कार्यक्रम चल रहा है, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि मैं ये कहने को भी तैयार हूँ कि हमारे उत्तराखंड यानी हमारे प्रदेश के अंदर बहुत नियंत्रित है, अभी ये स्थिति नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन वो भी हमें एहतियात रखना है। उसको लेके अभी हमने जो हमारी दर्शक दीर्घा है दूसरी दीर्घा है उस पर आगंतुकों के लिए अभी उनको नहीं आने की सलाह दी है, यानी कि हम उनको सलाह दे रहे हैं कि वो ना आए, यानी कि हम उस पर उनको एंट्री नहीं देंगे। इसके साथ साथ जो हमारे आगंतुक होंगे उसमें थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर वो पूरी तरह से होगा, और सिटिंग अरेंजमेंट चूँकि आप समझ सकते हैं कि हमारे भराड़ीसेन के अंदर तो सफिशियंट स्पेस है, तो वहाँ पे हालांकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करेंगे ही, लेकिन तो अभी हमें वहाँ कोई दिक्कत है उस प्रकार से नहीं आएगी। जैसे हम लोग देहरादून में आप देखें कि हमने दर्शन दीर्घा में भी और दूसरी जगह बैठने की व्यवस्था की थी, तो वहाँ पर शायद हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ जो हमारे सुरक्षा की दृष्टि से हैं, विद्युत की दृष्टि से हैं, पानी की दृष्टि से हैं, वाईफाई के विषय है, ये सारे बिंदुओं पर हमने बहुत बारीकी से विचार किया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे जो हमारे बिंदु हमने यहाँ तय किए हैं निश्चित रूप से आने वाले टाइम पर हमारा ये जो सत्र है ये पूरी तरह से निर्विघ्न संपन्न होगा। और मैं आपसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग इसमें हमें सहयोग प्रदान करेंगे। मोटी मोटी बात ये हमारे वहाँ पे आज के बाद बता दें कि विधानसभा के सामने असली चुनौती मौसम से पार पाने की है। पिछला बजट सत्र भी मार्च महीने में ही हुआ था और भराड़ीसेन में बर्फबारी का सामना लोगों को करना पड़ा था। हालांकि उस समय हुई बर्फबारी को विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सदस्यों ने सकारात्मक रूप से ही लिया था। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।